हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए कारनोट इंजन गिव्स टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरी हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट 627 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स इट बैक टू ए सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। देन वर्क डन बाय द इंजन इज, वी हैव फोर ऑप्शंस: 4.2 × 10⁶ जूल, 8.4 × 10⁶ जूल, 16.8 × 10⁶ जूल और जीरो। सो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले वी हैव टू राइट की कॉन्सेप्ट। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कारनोट हीट इंजन। कारनोट हीट इंजन के कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। कारनोट इंजन इज द की कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्वेश्चन में बोला गया है वर्क डन निकालना है। ओके, सो वर्क डन निकालने के लिए वी नो दैट कि जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी ईटा इक्वल्स टू, ये कितना होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई, वर्क डन बाई द इंजन डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि जो ये हीट ये लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से लेता है, इट इज इक्वल्स टू 1 − T2 upon T1। ओके, T2 upon T1, जो T1 है वो क्या है, हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर इज 627 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 और ऐड करेंगे सो इट बिकम्स 900 केल्विन, और T2 विच इज लोअर टेम्परेचर, सो ये हो जाएगा 27 + 273 विच बिकम्स 300 केल्विन। ओके, सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी विल हैव आवर आंसर। सो वर्क डन, सो यहां से हमको वर्क डन निकालना है डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू हमको गिवन है 3 × 10⁶ कैलोरी, इट इज इक्वल्स टू 1 − T2 900, 1 − T2, T2 इज 300। ओके, सो T2 इज 300 डिवाइडेड बाई 900, तो ये कितना हो गया 1/1/3, यानी कि 2/3। सो जो वर्क डन है इट बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ 3 × 10⁶, सो इट बिकम्स 2 × 10⁶ कैलोरी। ओके, अगर ये हमारे पास इतना कैलोरी में आया है, तो अगर हम हमको वर्क डन निकालना है जूल में, सो वी नो दैट कि जो वर्क डन है वो कितना रहेगा, 2 × 10⁶, एक कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल, सो इट बिकम्स 8.4 × 10⁶ जूल, दिस इज अवर वर्क डन, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में हमसे यही आंसर पूछा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो एज यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.